TV shows, blockbuster movies and originals. Download the app now. 10 मिनट के रास्ते में तुम्हें 5 घंटे क्यों लग गए? जब हम सफर इतना खूबसूरत हो और मौसम इतना बेईमान हो तो बात का पता ही नहीं चलता। इन दोनों का अंदाज बता रहा है कि इन दोनों ने बारिश में अपने अरमान ठंडे कर लिए, लेकिन मैं इस पहले मिलन को आखिरी मिलन में बदल दूंगा। मिस्टर शंकर, इनकी तबीयत खराब होती जा रही है और बेसिक मेडिसिन का असर बिल्कुल नहीं हो रहा है। शी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड हेलुसिनेटिंग, तो ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में शॉक थेरेपी ही देना पड़ेगा। ये शॉक थेरेपी की तकलीफ और बार बार वैभव के दिखने का खौफ बहुत जल्द माँ को तोड़ देगा, और जैसे ही उनका आत्मबल टूटेगा वैसे ही उनके मुंह से सच फूटेगा। मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध बना के लाई हूँ अपने हाथ से। आ जाओगे ना? जीजी सो चुकी है। आज की रात माँ की जिंदगी की सबसे मुश्किल रात होगी, उनके फरेब की आखिरी रात, और कल सच का सूरज निकलेगा। गणपति स्थापना के पहले पहले तुझे सबको सब कुछ बताना होगा। तूने मुझे कैसे और क्यों मारा, और अगर तूने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो तेरा कफन तैयार है। मुझे कुछ कहना है, कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने जिंदगी में ऐसे बहुत से काम किए जिसे गलत और गैर कानूनी कहा जा सकता है, और आज पापा के सामने मैं अपने सारे गुनाह कबूल करना चाहती हूँ। आज विन को अपनी माँ का असली चेहरा दिखी जाएगा। आइए आरती शुरू करते हैं। आज शादी के बाद पहली बार मेरे सिद्धि और विन पूरे संसार के सिद्धि विनायक के सामने खड़े होकर आरती करेंगे। देखो क्या ना सिद्धि, अब तुम्हें सब कुछ तो पता चल ही गया। गौर से देखो, ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? बताओ ना सिद्धि, बोलो ना, ऐसा विन में क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? सिद्धि बेटा, अगर जाप हो गया हो तो चल दिए की तैयारी कर ले। अब तो पापा भी तुझे मंजरी के कहर से नहीं बचा सकते। था ना तुझे कि मेरे और सिद्धि के बीच में मत आया कर, पता चलने दे सबको कि मैं यहाँ पे सिर्फ सिद्धि को पाने के लिए आया हूँ। मेरा जो मकसद है ना वो सिर्फ सिद्धि को पाना है, और वो तू जानती है, समझ में आया तुझको? रुक, तुझे कहा था ना, 10 बार कहा है तुझे कि मेरे और सिद्धि के बीच में मत आया कर। मैं तू चाहती क्या है? वहां सब लोग देख रहे थे, अगर किसी की नजर पड़ जाती तो तेरा खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रही थी और तू मुझे बचाने की कोशिश मत कर। जिसको देखना देखना देखने दे, तुझे उसकी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। पता चलने दे सबको कि मैं यहाँ पे सिर्फ सिद्धि को पाने के लिए आया हूँ। मेरा जो मकसद है ना सिर्फ सिद्धि को पाना है, और वो तू जानती है, समझ में आया तुझको? रुक, अपनी मां के साथ ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उन्हें। सिद्धि तुम यहां से चली जाओ, तुम जानती नहीं हो कैसी नागिन औरत है ये किसी की सगी नहीं बन सकती। मैंने कहा छोड़ो उन्हें। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये कैसी है, और उससे भी ज्यादा अच्छे से पता है कि तुम एक राक्षस हो।
जिसे ना रिश्तों की समझ है ना इंसानियत की पहचान, और ऐसी हरकत अपनी माँ के साथ करके तुमने ये दोबारा साबित कर दिया कि तुम क्या हो। सिद्धि तुम समझ नहीं रही हो, ये कैसे? मुझे समझाने की कोशिश भी मत करना, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, चले जाओ यहाँ से, वरना वीनू को बुलाकर उसे बता दूंगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, और तुम फिर अच्छे से जानते हो कि वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। सिद्धि तुम कह रही हो मैं इसलिए जा रहा हूँ, वरना यहाँ इसको उल्टा टांग देता मैं अभी। तू क्यों आई है यहाँ? हाँ, ये माँ बेटे के बीच का मामला था, हम लोग निपट लेते, तू क्या करने आई है यहाँ? मतलब तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाँ सही कह रही हैं आप, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो भी उस औरत के लिए जिसके सर पर अपने बेटे को मारने का भूत सवार हो, उसकी बहू को यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर अपने लिए आई हूँ, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और एक औरत के साथ ऐसा बर्ताव देख नहीं सकती थी। जिस तरह से रुद्र आपके साथ पेश आ रहा था मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, होया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? आपने मुझे और वीनू को मारने की नाकाम कोशिशें की, लेकिन फिर भी बापा की कृपा से आज हम एक साथ हैं और सही सलामत हैं। हमारी मजबूरी भी एक है और मुसीबत भी एक है, इसलिए हमें एक हो जाना चाहिए। कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान जब सूर्य ग्रहण लगा था, तब कौरवों और पांडवों ने युद्ध रोक दिया था, और इस वक्त हमारे सामने रुद्र नाम का ग्रहण लगा है, और जब तक ये खत्म नहीं हो जाता हमें संधि कर लेनी चाहिए। तथा बलराम को चंद्रमा की कृपा से शंखासुर द्वारा धारण 5 जन्य शंख के होते हैं दर्शन। कान्हा, ये कौन सा शंख है? दाऊ, यही है 5 जन्य शंख। हिडिंब के बंदर कुंती तथा पांडव पुत्रों को अपना भोजन बनाने आता है भयानक जंगलेश्वर। ये सब हमें तुम्हारे बैजू भैया के खिलौनों में से मिला है। ये सब किया दरा वो बैजू का है, वो कल भी गुनेगार था और वो आज भी गुनेगार है। आप नहीं मानते, हमने अपनी बैजू की आंखों में सच्चाई देखी है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब तेरी बर्बादी का वक्त शुरू हो रहा है। पर जो खेल तुमने स्टार्ट किया है उसकी अगली बाजी मैं जरूर खेलूंगी। अब मैं चिंगारी फेंकूंगी तुम्हारी इस शादी में। मंडप सजाने की तैयारी कर और उस मंडप तक विदिता को लाने की जिम्मेदारी मारी। बेटा ये उर्वशी है हमारी पड़ोसन, और उर्वशी ये विदिता। हाय विदिता, चलो अंदर चलते। विदिता से दूर रहो। बैड मैनर्स पुष्की, ऐसे कैसे दूर रहूं? वो मुझे जानेगी, मैं उसे जानूंगी, और फिर वो तुम्हें जाने। विदिता, मुझे तुमसे एक्चुअली कुछ बात कहनी थी। अम्मा को ठीक करने के लिए ऐसी तरकीब है हमारे पास जिसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैसी तरकीब? बताओ तो पुष्पा बिरजेश पांडे होगी ना ही? मैं पुष्पा बिरजेश पांडे। तो क्या इरादा है? हमको भी एक दो सेल्फी चाहिए हूँ मम्मी के साथ। भाभी जी वहाँ पहरे हैं। आ तो तोड़ देंगे वो पहरे। Just you and me and a selfie with mommy.